और अब खबर बाढ़ से मची त्रासदी को लेकर। भागलपुर के नौगछिया में काजी कोरिया गांव में से राघोपुर तक 7 किलोमीटर लंबे तटबंध में दरार पड़ चुकी है। बांध कटने की कगार पर आ चुका है। ग्रामीणों ने रात भर पेड़ काटकर बांध को बांधा है। ग्रामीणों ने विक्रमशिला सेतु पथ को जाम कर दिया, जिसके बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। बीडीओ और कार्यपालक अभियंता ने ग्रामीणों के साथ तटबंध का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बाढ़ नियंत्रण के कार्यपालक अभियंता के साथ धक्का मुक्की तक की है। ग्रामीणों ने यहां ठीक से काम नहीं करने का आरोप लिया है और जायजा लिया। न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। बारिश हुई है, उसमें हल्फा के कारण जो है लगभग मेरा बांध 3.5 किलोमीटर के लेंथ में क्षतिग्रस्त हुआ है। वो भी टॉप लगभग 1 मीटर के ऊंट में क्षतिग्रस्त हुआ है। तो हम लोगों ने सवेरे 6:30-7 बजे से काम लगा, 6:30 बजे से काम शुरू करवा दिया। उसके मरम्मत के योजना का काम का हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि तेजी से मरम्मत हो। कुछ ग्रामीण लोग का शिकायत है, जो शिकायत सही भी है, कि इस तरफ काम थोड़ा कम हुआ है। उस शिकायत को हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमें नौगछिया के काजी कोरैया से राघोपुर तक बांध पर, आप देख सकते हैं कि 7 किलोमीटर लंबा ये बांध है और रात में जो है सभी लोग यहाँ जगा कर रहे थे, क्योंकि तेज आंधी और आई बारिश के बाद जो है लगातार बांध में कटाव शुरू हो गया था और लोग जो है किसी तरीके से बोरा और पेड़ काट कर जो है यहाँ पर दे रहे थे कि किसी तरीके से ये बांध बच जाए। कई जगह जो है बांध कटा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कट पाया। क्या हुआ था रात में? रात भर परेशान छे, बच्चा बुतरु सब जन्म एकदम पानी सीधे निकली जाए, सीधे एकदम बच्चा बुतरु एकदम बेहालत है। ये भारी डक्टर में पानी हो जाए, ऊपर का बही जाए। मैं बारिश के वजह से पूरा आंधी चला था, उसके बाद ध्यान से इस पार आ गया, पूरा आधा आधा कट गया ना, उधर में 2 फीट बचा हुआ है, पूरा कट गया। क्या परेशानी? परेशानी यहाँ पे बहुत, रात में जो आदमी आया ना पूरा गांव से उलट के, तो पूरा ढ्यों से बज रहा था, इधर से उधर फेंक दिया रहा था, ढ्यों से ही काट रहा था। यहाँ पर कोई सा उपाय नहीं है कि कुछ प्रशासन आ जाए, आपको प्रभारित आ जाए, बोरी तेरे कुछ नहीं दिया जा। गंगा का जल स्तर जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीणों में जो भयावह स्थिति है गंगा की, उसको देखकर कहीं ना कहीं डर है और खौफ में लोग जी रहे हैं, रत जग्गा करके यहाँ पर रह रहे हैं। अब जिला प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ पर कार्रवाई करे और फ्लड फाइटिंग का काम तेज गति से कराया जाए, जिससे कि इन लोगों को राहत मिले। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और भागलपुर के नौगछिया में बाढ़ ने जहां तबाही मचाई है, काजी कोरिया से राघोपुर तक 7 किलोमीटर तटबंध को बचाने के लिए फ्लड फाइटिंग का काम जारी है। बोरी में बालू भरकर बांध के किनारे डाला जा रहा है ताकि तटबंध को बचाया जा सके, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि बोरे में मिट्टी भरकर डाले जा रहे हैं। ग्रामीण साफ तौर पर फ्लड फाइटिंग के चल रहे काम में लूट की बात कह रहे हैं। वहीं नौगछिया के बाढ़ नियंत्रण कार्यपालक अभियंता का कहना है कि इसमें बालू डाला जा रहा है, गंगा का बालू है और इसीलिए मिट्टी के जैसा प्रतीत होता है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने भी फ्लड फाइटिंग के काम में लूट की बात कही है। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। मिट्टी तो ऐसा नहीं है, मिट्टी मतलब हो सकता है उसमें पानी पड़ने के बाद जो यहाँ का लोकल हो जाता है, मिट्टी से दिखने लगे, मिट्टी कहीं पे भी नहीं है मेरा। बालू भरना है, बोरा में डालना है, प्रोटेक्ट करना है कि उसका जमीन न कटे, उसका मकान न गिरे। एक तो काम सही ढंग से क्या काम ही नहीं हो रहा, और जहां हो भी रहा है जैसे बीजपुर में कुछ लोग जगह पर बालू तो मिल नहीं रहा है, उसमें मट्टी भर के डाल रहे हैं। मट्टी तो वो तो पानी जब पड़ेगा तो मट्टी गल के बाहर चला जाएगा। अभी हमें नौगछिया के काजी कोरैया से राघोपुर जोड़ने वाली तटबंध पर, आप देख सकते हैं कि ये तटबंध है और रात में ये तटबंध कटने के कगार पर था, लेकिन जो आपदा के समय में भी लोग जो है इसमें कहीं ना कहीं कुछ खोज लेते हैं। आप देख लीजिए कि ये बोरा है और इसमें क्या भरा हुआ है, टोटल मिट्टी है। ये मिट्टी जो है कहीं से भी इसमें बालू का कोई अंश नहीं है, जबकि स्कूटिव इंजीनियर ने कहा कि बालू और मिट्टी मिला हुआ है, जबकि बालू कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। क्या है बोरा में भरा हुआ? ये मिट्टी और घास है सर। मिट्टी और घास है, हाँ। देना क्या चाहिए था? बालू सर देना चाहिए। बालू कहीं मिल रहा है? नहीं सर। यहाँ बोलता है जनता को 10,000 बोरा चुरा लिया, जनता का ही चुराएगा 10,000 बोरा? क्या है कहाँ ले जाएगा? बोरा में क्या है? बोरा में तो मिट्टी है, इसमें बालू होना चाहिए, बालू मिट्टी मिक्सिंग होना चाहिए।
खाली बालू है। हाँ, खाली बालू भी होना चाहिए बोरा में, नहीं है तो बालू मिट्टी मिक्स नहीं करना चाहिए, इसमें मिट्टी भर के दे रहा है। नहीं सर, वो कहाँ होना चाहिए, बालू के बदले में मिट्टी दे के किसी तरह पैसा घटोस कर रहा है, कम हो रहा है, 10,000 का मतलब बिल बना रहा है 1 करोड़ का। ये बोरा है यहाँ पर आपको दिखाते हैं, यही बोरा है, सभी बोरा में यही चीज है। स्कूटिव इंजीनियर जो है बाढ़ नियंत्रण के, उनका कहना था कि बोरे में जो है बालू भरा जा रहा है, लेकिन आपदा के समय में भी लोग अवसर कैसे खोज लेते हैं ये बिहार में देखा जाता है लगातार। और आप भागलपुर के नौगछिया में जो हाल है उसको आप देख सकते हैं, कहा जा सकता है कि बड़ा खेल जो है बाढ़ के नाम पर खेला जा रहा है। आशीष रंजन, News 18 भागलपुर। वही शेखपुरा की घाट कुसुम्बा प्रखंड में हरहर नदी उफान पर है और इसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। कोयला गांव में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी पानी में डूब चुका है, अस्पताल बंद होने के बाद लोगों का इलाज ही नहीं हो पा रहा। हालांकि टीम ने हरहर नदी से प्रभावित अस्पताल की व्यवस्था गाँव के ऊंचे स्थान पर कर दी है, जहाँ दवा और नर्स की व्यवस्था की गई है। कोयला गांव के अस्पताल से अधिक जानकारी दे रहे हैं News 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। हरहर नदी में जलस्तर बढ़ने से इसका सीधा असर जनजीवन पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें ये टाल क्षेत्र का कोयला गांव है और जहां आप देख लीजिए हेल्थ एंड विलेज सेंटर है, पानी से पूरा भर गया है, बंद है, ताला लटका हुआ है। अब डॉक्टर भी जो है कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी वो आना बंद कर दिए हैं। इसके से अभी बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रहा है लोगों की, छोटी छोटी बीमारी के लोग को जाना पड़ता है प्रखंड मुख्यालय अथवा जिला अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश की जा रही है, जिला प्रशासन द्वारा भी कार्रवाई की बात कही जा रही है कि जहाँ ऊँचा स्थान है वहाँ पर अस्पताल को शिफ्ट कराया जाएगा ताकि कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर वर्तमान समय में तो भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है, गांव की महिलाएं भी हम जानते हैं कि आखिर इसके बंद होने से क्या क्या परेशानी लोगों को हो रहा है। बाकी बताइए मामा की दिक्कत हो रही है, बताओ बताओ ना की दिक्कत हो रही है, मेरे बंद होने से क्या दिक्कत हुआ? पानी डूबल ढसल है, बजावे ना जाए बना घर बना है। अच्छा, डॉक्टर लोग नहीं आ रहे हैं अब? नहीं, बंद हो गए। बंद हो गए, कब से बंद है? 3-4 दिन से बंद ही हुआ, दोबारा बंद कैसे डरबाई तेज है, पानी से बुरा पड़ पड़ा। आप बताइए की दिक्कत हो रही है? की दिक्कत है? मट्टी भरावे के गली में भर छाती पानी है, अस्पताल कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो कोई डॉक्टर या नर्स कोई नहीं आ रहा है? नहीं, कुल बंद। आप हमारे साथ ही चल रहे हैं, देखे होंगे कि हर गांव में जो है हेल्थ चिकित्सक लोग हैं, जहां पे भी PHC SHC में पानी घुस गया था वहां से हमने लोकेट करके निजी घर में सभी जो से वो है डॉक्टर्स हैं और नर्सेज हैं, ANM हैं, सभी को हम लोगों ने कर रखा है और सभी के पास एसेंशियल मेडिसिन भी है और जो हमारे पास आयोडीन टैबलेट्स वगैरह थे वो भी सब जगह पर्याप्त मात्रा में। अस्पताल चूँकि बंद है, गाँव के अंदर जो सरकार द्वारा जो व्यवस्थित किया गया अस्पताल का वो भी पानी आ जाने के कारण वो बंद पड़ा है, जरूरत है इसकी वैकल्पिक व्यवस्था करने का ताकि गाँव के लोगों को भी राहत मिल पाए। अजीत कुमार सिन्हा, News 18 शेखपुरा।